नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैनर्जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके चैनल का यूआरएल कस्टम करना मैं सिखाऊंगा, यूआरएल कस्टम करना या फिर चैनल का लिंक सॉर्ट करना सिखाऊंगा। जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल का लिंक कैसे मैंने सॉर्ट किया है, वो इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर देखिए, जो मेरे चैनल का टेक्निकल सैनर्जी का यूआरएल आ रहा है, ठीक इसी प्रकार आप भी अपने चैनल का यूआरएल कैसे कस्टम करेंगे ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं मोबाइल पर ये करके दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से किसी से भी इसी तरीके से आप अपने चैनल का लिंक सॉर्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और सीखते हैं। दोस्तों, अब हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में चैनल का लिंक सॉर्ट करना या फिर चैनल का यूआरएल कस्टम करना बताएंगे। यानी कि आपके जो चैनल का नाम होता है, उस नाम को टाइप करके ही आपके चैनल का लिंक कैसे बनाएं, ये सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में आपका यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में मेरे चैनल को ओपन करने के बाद में आपको ये कस्टम करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए देखते रहिए। ये देखिए, आईडी और पासवर्ड लगा के मैंने चैनल को ओपन कर लिया है। और यहाँ से डेस्कटॉप मोड में ओपन होने के बाद में आपको आपके चैनल का कुछ इस प्रकार से यहाँ मोबाइल में इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। ये प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी ठीक इसी प्रकार से ये चैनल का लिंक सॉर्ट करना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये थ्री लाइन का जो चिन्ह है, यहाँ पर जाकर माय चैनल में आप चले जाएंगे। माय चैनल में जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार के से इंटरफेस खुलेगा, जिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है वीडियो मैनेजर। इस वीडियो मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वीडियो मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आगे इस प्रकार से ऑप्शन खुलेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, माफ कीजिए, ये देखिए जो ऑप्शंस खुले हैं, यहाँ पर चैनल का ऑप्शन फिर से आ गया है नीचे। इस पर आप क्लिक करेंगे चैनल के लिंक पर। जैसे ही इस पर क्लिक करते ही कुछ नए तरीके से यहाँ पर और ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से ये खुल चुका है। यहाँ पर चैनल पर जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। और यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें नीचे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ कस्टम यूआरएल, ठीक है। तो इस पर देखिए, इनेबल का जो ये निशान लगा हुआ है, ये जो बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ नए तरीके से यहाँ पर देखिए ओपन होगा और ऑप्शंस आपके सामने आ गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर इनेबल फॉर कस्टम यूआरएल, ठीक है। यानी कि मैं ये कस्टम कर सकता हूँ यूआरएल, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है दोस्तों, आपके चैनल के कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपका नया चैनल है, मान लो 100 से कम सब्सक्राइबर हैं, तो ये यूआरएल कस्टम नहीं कर सकते आप। लेकिन 100 से अधिक हैं तो ये यूआरएल कस्टम कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए इस पर क्लिक करूँगा, हेयर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस खुल गए। यानी कि मेरे सामने ये चैनल का कस्टम इस प्रकार से आ गया है। जो यूआरएल है ऑटोमेटिक की, इस प्रकार से मैं youtube.com और इस प्रकार से /c/technicalsanergy ये रखूं, या फिर इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। देखें, नीचे ऑप्शन दिया गया है 2 नंबर एंड सफेक्स योर चूजिंग। इस पर क्लिक करके मैं अपनी इच्छा से और भी नाम दे सकता हूं, लेकिन मुझे तो मेरे चैनल के नाम से ही लिंक को सॉर्ट करना है, यूआरएल को। यहां पर हालांकि मैं मेरा नाम भी दे सकता था, जैसे वी के सैनी लिखता। ये देखिए, इसमें क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, ये नीचे वाले पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल गया है। देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आगे भी इसके टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइप नहीं कर रहा। इसके लिए यहाँ से बैक हो जाऊँगा और फिर यही मैं रख लेता हूँ ऊपर जो ऑप्शन में है, ठीक। और इसको मैं क्लिक करेंगे यहाँ पर आई हैव एग्रीड कस्टम यूआरएल, ठीक है। और इस पर कर देंगे चेंज यूआरएल पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही मैं कन्फर्म करूँगा, मेरे चैनल का यूआरएल कस्टम हो जाएगा। ये देखिए, चैनल का जो यूआरएल है वो कस्टम हो चुका है। इसके लिए देखने के लिए एक बार फिर से मैं जाऊंगा वहाँ पर वीडियो मैनेजर पर
और फिर चैनल्स में जाऊंगा। चैनल्स में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आ चुका है चैनल का यूआरएल, ये लिखा गया। अब इनेबल नहीं लिखा रहा है, मतलब इनेबल हो चुका है चैनल का यूआरएल, कस्टम हो चुका है कस्टम यूआरएल टेक्निकल सैनी जी। अब मैं जहाँ भी जाऊँगा और मेरे इस चैनल का नाम जैसे ही टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक चैनल का लिंक क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैं। मान लो मुझे इस ग्रुप में मेरे चैनल का लिंक शेयर करना है, और मान लो यूट्यूब नहीं ओपन हो रही है तो मैं इस पर लिखूँगा HTTPS, ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर YouTube.com और स्लैश, उसके बाद में मैं चैनल का नाम था टेक्निकल सैनी जी, ये स्पेस यहाँ पर नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है। ये देखिए चैनल का लिंक हो गया, ऑटोमेटिक बन गया है। तो इस प्रकार से ये चैनल का लिंक हो गया। अब इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से चैनल का लिंक सॉर्ट करते हैं या कस्टम करते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।